Hi guys, I'm Stuti from E-Vidyarthi. और इस session में हम करेंगे class 11 chapter rectification of errors का question number 27. यह page number 17.35 पे of the book T.S. Grewal. Start करते हैं. ये काफी simple question है, कुछ भी tricky नहीं है, but practice के लिए अच्छा है. Start करेंगे. Pass journal entries to rectify the following errors in following cases. तो हमें एरर्स को रेक्टिफाई करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है. जर्नल का फॉर्मेट हमारे पास रेडी है. फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. ₹5 अ परचेज ऑफ गुड्स रुपीस फ्रॉम डेविड अमाउंटिंग टू ₹150 हैज बीन रॉन्गली पास्ड टू द सेल्स बुक. तो हमने परचेज करी बट हमने उसकी एंट्री कर दी सेल्स बुक में. तो क्या हुआ, हमने क्या एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, हमने सेल्स की एंट्री पास कर दी. डेविड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जबकि हमें परचेज की एंट्री पास करनी थी. हमें एंट्री करनी थी, दिस वॉज द रॉन्ग एंट्री जो हमने पास कर दी. हमें एंट्री पास करनी थी परचेज की. परचेज अकाउंट डेबिट टू डेविड अकाउंट. अब ये करेक्ट एंट्री और ये रॉन्ग एंट्री है. जो करेक्ट एंट्री है उसे पास करना होगा और जो रॉन्ग एंट्री हुई है उसको करेक्ट करना होगा. दोनों काम करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, करेक्ट एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू डेविड अकाउंट. रॉन्ग एंट्री जो है उसको रिवर्स करना होगा, यानी जो सेल्स पहले क्रेडिट हुआ था अब उसे डेबिट कर देंगे और डेबिट जो डेबिट था उसे क्रेडिट कर देंगे. तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेविड अकाउंट, रिवर्स हो जाएगी. सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, और डेबिट के अकाउंट को क्रेडिट करना है जो हमने ऑलरेडी कर रखा है. तो हमने ये कंपाउंड एंट्री पास करी है. इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹150. तो 150 जो जाएगा परचेज के डेबिट में, 150 सेल्स में डेबिट होगा और जो नेट फिगर है यानी ₹300 टोटल आ जाएगा डेबिट के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे. ये हो गया हमारे पास पहला करेक्शन. नरेशन में आ जाएगा सिंपल बीइंग एरर करेक्ट. ये हो गया हमारे पास पहला करेक्शन. सेकंड पॉइंट देखते हैं. अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रुपीस 120 टू पीटर हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक. तो हमने क्या करा, सेल्स थी गुड्स की बट हमने उसे परचेज की तरह रिकॉर्ड कर लिया. तो इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे करेक्ट. सेल करनी थी गुड्स की यानी हमें एंट्री पास करनी थी पीटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हमें ये एंट्री पास करनी थी बट हमने क्या करा, हमने इसे एज परचेज ट्रीट कर दिया. तो हमने एंट्री पास करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पीटर अकाउंट. ये हो गई रॉन्ग एंट्री. तो अब हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री को पास करेंगे और जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर देंगे. रिवर्स यानी पीटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज, परचेज क्रेडिट हो जाएगी. तो सबसे पहले राइट एंट्री पास करेंगे. सेकंड पॉइंट, पीटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये आ गया करेक्ट एंट्री. अब रॉन्ग एंट्री क्या थी, पीटर डेबिट टू परचेज अकाउंट. तो पीटर तो हमने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है तो अब इसे दोबारा डेबिट नहीं करेंगे और परचेज जो पहले हमने डेबिट कर दिया था अब उसे क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट. इसके लिए भी हमने कंपाउंड एंट्री पास करी है. अमाउंट आ जाएगा ₹120.
तो 120 सेल्स में क्रेडिट, 120 परचेज में क्रेडिट और टोटल 240 रुपीज हमारे पीटर के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। ये हो गया हमारी सेकेंड एंट्री का करेक्शन। थर्ड एंट्री देखते हैं। ₹200 सैलरी पेड टू कैशियर वी नायडू स्टैंड्स रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो हमने वी नायडू को सैलरी पे करी बट उसको डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में, जबकि कोई भी एक्सपेंस अगर हम करते हैं तो वो जाता है उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट में। तो क्या होना था, हमें एंट्री पास करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट हमने क्या करा, हमने एंट्री पास कर दी बी नायडू अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने उसके पर्सनल अकाउंट में अमाउंट को डाल दिया। तो अब जो करेक्ट एंट्री है उसे पास करेंगे और जो रॉन्ग एंट्री है उसे रिवर्स करेंगे। कैश दोनों केसेस में क्रेडिट हो रहा है तो इसे करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सैलरी का अकाउंट जो पहले डेबिट नहीं हुआ अब उसे डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और बी नायडू का अकाउंट जो पहले हमने गलती से डेबिट कर दिया था अब उसे करेक्ट करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो टू बी नायडू अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा हमारे पास ₹200 की फिगर आ जाएगी अमाउंट के कॉलम। ये हमने 3 पॉइंट्स का करेक्शन देख लिया, अब बाकी के रिमेनिंग 2 पॉइंट्स का करेक्शन देखते हैं। देखते हैं फोर्थ पॉइंट। ₹100 received from Shaw and Company have been wrongly entered as from Shaw and Company. तो हमें ₹100 receive हुए बट हमने wrong account में उसे credit कर दिया है, तो अब उसे correct करेंगे। हमने Shaw and Company से receive करे तो उसका account credit होगा। Correct account जो credit होना था वो था Shaw and Company, बट हमने क्या करा, हमने गलती से शाइन कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। तो शाइन कंपनी को जो हमने पहले गलती से क्रेडिट कर दिया था अब उसे डेबिट कर देंगे, शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आ जाएगा हमारे पास ₹100। ये हो गया करेक्शन। अगेन ये भी सिंपल सा ही पॉइंट था। लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। रमेश अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद ₹840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। तो हमने क्या करा, रमेश के अकाउंट को हमने दो बार क्रेडिट कर दिया ₹840 से। अब क्योंकि दो बार क्रेडिट कर दिया तो उसे करेक्ट करने के लिए एक बार डेबिट करना होगा। हमारे पास करेक्शन आ जाएगा रमेश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये गलती लेजर में हुई है, सिर्फ एक अकाउंट में हुई है, ये वन साइडेड एरर है। टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा ₹840। ये लास्ट पॉइंट में हमने करेक्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, इसमें इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।